गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे AEW के टॉप 5 सुपरस्टार की सैलरी के बारे में। तो गाइज, हम कंपेयर भी करेंगे AEW की सैलरी, AEW सुपरस्टार की सैलरी और WWE सुपरस्टार की सैलरी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं WWE टॉक। नंबर 6 पे आते हैं गाइस, यंग बक्स AEW से $2 मिलियन कमाते हैं। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 14.34 करोड़ रुपीज़ होंगे। और गाइस, इनके साथ ही आते हैं पैक, आते हैं पैक गाइस $2 मिलियन कमाते हैं AEW से। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 14.34 करोड़ रुपीज़ होंगे। और फ्रेंड्स, नंबर 3 पे आते हैं केनी ओमेगा का। AEW से केनी ओमेगा $3 मिलियन कमाते हैं। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 21.50 करोड़ रुपीज़ होंगे। और इसके बाद गाइस, नंबर 3 पे आते हैं कोडी रोड्स, AEW से $3 मिलियन यानी 21.50 करोड़ रुपीज़ कमाते हैं। और हम बात करें नंबर 2 के सुपरस्टार, यानी हमारे इस जो लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं, वो है क्रिस जेरिको। गाइस, क्रिस जेरिको भी $3 मिलियन AEW से कमाते हैं। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 21.50 करोड़ रुपीज़ होंगे। और गाइस, हम बात करें हमारे इस लिस्ट के टॉप सुपरस्टार, और गाइस AEW से जॉन मॉक्सली, जो कि पहले सील के मेंबर थे यानी डीन एम्ब्रोस, गाइस अब वो AEW में हैं। तो गाइस, AEW से जॉन मॉक्सली $6 मिलियन कमाते हैं यानी 43 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 43 करोड़ रुपीज़ होते हैं। WWE से रोमन रेंस $5 मिलियन कमाते हैं। अगर हम इसे इंडियन, गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली, रोमन रेंस कहीं ज़्यादा कमाते हैं। शायद यही कारण हो कि डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली ने WWE से चले गए थे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।